تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب معزز ناظرین आज हर शख्स का ये शिकवा होता है, ये शिकायत होती है कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। हम जो कमाते हैं उससे हमारा घर चलना मुश्किल हो जाता है, या जो हम कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती है। दरअसल इस चीज को देखना जरूरी है, रिस्क में बरकत उसके वजह उसके असबाब बहुत सारे हैं, लेकिन रिस्क के असबाब को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे पहला सबब जो है वो तक्वा है। तक्वा परहेजगारी इंसान के जिंदगी को सुधार देता है, उनके रोजी रोटी में बरकत होती है, वो जो कमाते हैं उससे उनकी किफायत हो जाती है, उनका घर अच्छी तरीके से चल जाता है और अच्छी जिंदगी गुजार ले जाता है। बरकत का यह मकसद नहीं कि अगर हम 500 रुपया कमा रहे हैं तो वो उससे डबल या उससे कुछ ज्यादा हो जाएं। बरकत का मतलब यह है कि हम 500 रुपया दिन भर में अगर कमा रहे हैं तो उस पैसे से हमारा घर अच्छी तरीके से चल जाना चाहिए, सुख और चैन की जिंदगी गुजर जानी चाहिए। बल्कि इस एतबार से भी होना चाहिए कि बरकत का मतलब हम ये लें कि उसी पैसे से हमारा घर अच्छी तरीके से चले, बीमारी में भी वही पैसा काम आए, मुसीबत के वक्त भी वही पैसा काम आए और किसी तरह की कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत के एक सबब तक्वा के बारे में फरमाया कि जो जिस एतबार से तक्वा इख्तियार करेगा उसकी रोजी रोटी में उस तरह की बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुत तलाक में फरमाया وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, जो कोई अल्लाह से डरता है वह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने की राह बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से ला यख्तसिब, जहां से वह गुमान नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता, उनके हाशे ख्याल में वो चीज नहीं आ सकती, वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रोजी देता है। और एक आयत देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो जिस एतबार से तक्वा इख्तियार करेगा उस एतबार से उसके रिस्क में बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलौ अन्ना हदल कुरा आमनतु لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى कि जो ولو أن أهل القرى अगर बस्ती वाले आमनु ईमान ले आए واتقوا अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक्वा इख्तियार करे
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के लिए आसमान और जमीन से बरकत के दहाने खोल देंगे. शर्त क्या है? वलौ अन अहल अल-कुरा आमनू वत्तकू, ईमान ले आए और तक्वा इख्तियार करें. वो ईमान होनी चाहिए जिस तरह का ईमान सहाबाए कराम नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाए थे, उस तरह का तक्वा होना चाहिए, उस तरह का डर होना चाहिए, उस तरह की खशियत होनी चाहिए जिस तरह की खशियत की तालीम, जिस तरह के तक्वा की तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में दी है. अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तालीम दी है उस तरह का तक्वा होना चाहिए, तब जाकर हमारी रोजी और रोटी में बरकत होगा, हमारे रिस्क में बरकत होगा. तक्वा का नमूना बेशतर चीजों से मिल जाएगा. लेकिन इन दो आयतों को आपको समझने की जरूरत है. दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क में बरकत के जो सबब हैं उस सबब को बयान किया है, और वो सबब मेन तक्वा है, वो मेन सबब परहेजगारी है. इसलिए हम में से हर फर्द के लिए जरूरी है, जो रिस्क में बरकत चाहता है, जो रिस्क में कुशादगी चाहता है, जो रोजी रोटी में बरकत चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो तक्वा इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे. अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप जिस एतबार से डरेंगे उस एतबार से आपके इसमें बरकत होगी इंशाअल्लाह. हम में से हर फर्द इस पर अमल करेंगे. आमीन.